नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर3 ड्रग्स के बारे में। फिर से आज दूसरे दिन इसमें लगभग 10% की गिरावट है। बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है, बहुत सारे ट्रेडर कमेंट किए कि सर हमने 1000 के आसपास बाय किया है, अब हम क्या करें, बहुत ज़्यादा लॉस दिखा रहा है हमारे अकाउंट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से बाय किए थे, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या आप इन्वेस्टिंग के लिए बाय किए थे तो क्या करना चाहिए। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। तो हम टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा जानेंगे क्या लेवल्स और क्या मतलब सपोर्ट हो सकता है और क्या फिर उसके बाद हमारा लेवल्स होगा जिसका हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो ट्रेंड लाइन है अभी रिसेंट टाइम का, उसको मैंने ड्रॉ किया है। डेली का चार्ट है यहाँ पर, डेली चार्ट पे। अगर मंथली चार्ट पे देखेगा, वीकली चार्ट पे, तो ये स्टॉक्स काफ़ी बुलिश है। अगर डेली चार्ट पे बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, ये स्टॉक्स यहाँ से आपको जुलाई से जो ट्रेंड लाइन बनाया है, तो इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया था यहाँ पर फर्स्ट टाइम, यहाँ पर सेकेंड टाइम, तो यहाँ पर स्टॉक्स छोटे छोटे मतलब ट्रेंड बनाया था। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये बुलिश हुआ, तो वहाँ पर जो कंसोलिडेट हुआ ये 750 और 700 के बीच काफ़ी समय तक कंसोलिडेट हुआ। और इसमें जो ये ट्रेंड बना है, जो अप ट्रेंड है, बड़ा मोमेंटम है, वो अप्रैल महीने से बना है, और उसमें से एक महीने तक तो ये यहाँ पर कंसोलिडेट होता रहा, और फिर इसी ट्रेंड लाइन पर ये यहाँ पर सपोर्ट लिया अंत में। और यहाँ से फिर देखते हैं एक अप मोमेंटम हमें दिखाया 300 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का अब मोमेंटम दिखाया, मात्र 700 रुपये का ये स्टॉक्स, और फिर से ये इस ट्रेंड लाइन पे पहुंच चुका है। अगर इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेता है तो यहाँ से फिर जब बुलिश कैंडल बनाएगा तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं कि ये अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करे तो फिर इसके ऊपर बाय करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये अपना जब हाई क्रॉस किया तो एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनाया, यहाँ पर देखते हैं जब 100 रुपीज़ का बुलिश कैंडल बनाया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो जैसे यहां पर आप बाय करते हैं तो निश्चित है स्टॉप लॉस के साथ कहीं पे भी बाय करें, चाहे आप इस ट्रेंड लाइन पर अगर ये सपोर्ट लेता है तो आपको वेट एंड वॉच करना है। जब तक ये सपोर्ट लेकर के अपना एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल नहीं बनाता है डेली चार्ट पर, तब तक आपको बाय नहीं करना है, या आप ऑल टाइम इसका जो हाई है उसका वेट कर सकते हैं। अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तब जाकर के आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आप हमें बेचने के लिए क्यों कह रहे हो, क्यों बेचवा रहे हो। तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसी को भी बेचने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप सेल कर दो स्टॉक्स, आप इसे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हो तो कंपनी के फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है, कंपनी के रिजल्ट्स पे ध्यान देना है, कंपनी का रिजल्ट कैसा आता है तो आप उस पर ध्यान दे के रहें। कभी भी कंपनी के फंडामेंटल्स और कभी भी कंपनी के रिजल्ट्स खराब होते हैं तो कंपनी का जो स्टॉक्स है उसका प्राइस गिरेगा। अदरवाइज ये यहाँ से 500% का मोमेंटम दिखा चुका है, ये मात्र 200 रुपीज़ का स्टॉक्स था, वहाँ से देखते हैं 1000 के प्राइस तक जा चुका है। 500% का जब तेजी है तो इसमें आपको 25-30% का करेक्शन तो देखने मिलेगा ही। तो ये जो एक प्राइस वाइज करेक्शन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये मोमेंटम कर चुका है ये स्टॉक्स। यहाँ पे भी देखते हैं, ये 900 रुपीज़ का स्टॉक्स हो चुका था, वहाँ से ये 25% करेक्ट हुआ और 700 रुपीज़ तक ही आया था। तो ये आपका जो बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखा है 500% का कुछ ही महीने में, मतलब 5 से 6 मंथ में ये 500% मूव कर चुका है। तो यहाँ से प्राइस वाइज एक करेक्शन चल रहा है, तो आप इस करेक्शन का इंतजार करें और कंपनी के फंडामेंटल्स पे ध्यान बनाए रखें। तो जो भी मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें हमारी यही सलाह होगी कि आप जो है कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के रिजल्ट पे लगातार नज़र बनाए रखें, और जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करें हैं उन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, हमेशा स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। हमारा यहाँ 900 के ऊपर स्टॉप लॉस था, मैंने कल ही सेल कर दिया 901 रुपीज़ पर, तो अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखें। देखिए अगर हम अभी सेल नहीं किए रहते तो अभी ये 800 रुपीज़ का स्टॉक हो चुका है, तो अभी हमें 100 रुपये का हर स्टॉक पे लॉस होता। तो इस तरह जो आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से आप बाय करते हैं तो आप जीरोधा में बाय करें, GTT ऑर्डर वहाँ प्लेस करें, जैसे आपका जो प्राइस ट्रिगर होगा वो अपने आप सेल हो जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म मतलब जो आपका पोजीशन है उसमें। तो इसलिए आपका जीरोधा में अगर अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप बाय कर सकते हैं। जीरोधा सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ आप पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं स्टॉक्स में, उसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इससे आपका क्या होगा,
होगा, जो आपका बड़ा लॉस होने वाला होगा वो बड़ा लॉस आपका सेव हो जाएगा। तो निश्चित है कि आप जीरो धम अकाउंट ओपन करें। और इस स्टॉक में यही सलाह होगा कि अभी देखना है हमें, अगर लगातार कंटिन्यू होता है गिरावट 10% 5%, तो जो भी आपका पोजिशन है उससे एग्जिट करने में ही फायदा होगा। वो तो आपको पहले ही कल ही ये देख सकते, डाउन ओपन हुआ यहाँ पर, जब हमने गैप डाउन को देखा तो यहीं पर मैंने सेल कर दिया, क्योंकि ये जो गैप डाउन ओपन हुआ है ये अब रेसिस्टेंस की तरह कहीं पर वर्क कर सकता है। और यहाँ पर देखते हैं आज फिर से ये गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर देखते हैं कल जो क्लोज हुआ था 886 रुपीज के आसपास, वहाँ से डायरेक्ट ये स्टॉक्स काफ़ी नीचे ओपन हुआ, तो इसलिए मैंने आज मतलब कल ही मैंने सेल कर दिया। तो ये सारा जो गैप डाउन देख सकते हैं ये हो सकता है रेसिस्टेंस की तरह काम करे, तो ये अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने में काफ़ी वक्त भी ले सकता है। जबकि और कई सारे स्टॉक्स हैं फार्मा के आज भी, जैसे गैनलेज है, आपको गैनलेज में हमने बताया था कि आप गैनलेज में भी बाय कर सकते हैं, वो स्टॉक्स आज भी मतलब पॉजिटिव में था, मतलब आज भी उसमें आप मूव देखने मिला था, लेकिन कम था क्योंकि आज जो हमारा मार्केट था वो साइडवेज था। तो लेकिन आज भी गैनलेज में, गैनलेज इंडिया में आज भी उसमें मतलब कुछ पॉजिटिव मूवमेंटम था और सारे स्टॉक्स निगेटिव थे। तो जो बेहतरीन स्टॉक्स है उसमें आपको पोजिशन ट्रेडिंग करना है, तो उसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगा के करना है, क्योंकि जब स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रैली कर जाती है तो उसमें एक प्राइस वाइज करेक्शन या तो टाइम वाइज करेक्शन आता है। टाइम वाइज करेक्शन होता है कि आपको स्टॉक्स जो इसी प्राइस पे रहेगा लेकिन काफ़ी लंबा वक्त आपका बिताएगा, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर ट्रेडर हैं तो आपका मनी जो है उसमें फंसा हुआ रह जाता है, क्योंकि आपको वहाँ तो कुछ प्रॉफिट मिल नहीं रहा, कुछ रिटर्न तो मिल नहीं रहा है, लेकिन वही इन्वेस्टर जो होते हैं वो स्टॉक्स में लगातार बने रहते हैं, क्योंकि उनका पर्पस होता है वो डिविडेंड उससे प्राप्त करते हैं। और जो धीरे धीरे स्टॉक्स जब वो अपना करेक्शन पूरा करेगा टाइम वाइज, तो फिर से उसमें रैली आएगा तो उन्हें उस पर रिटर्न मिलेगा, साथ साथ जो टाइम होता है तो हर टाइम जैसे जैसे बीतता उनको डिविडेंड मिलता है स्टॉक पे, और साथ साथ वो बोनस का बेनिफिट लेते हैं, स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट लेते हैं। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मतलब अपना लॉजिक होता है। तो जो ट्रेडर होते हैं वो निश्चित रूप से अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है आप एग्जिट हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो बहुत सारे लोग पैनिक में हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या किया जाए, तो अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से बाय किए तो निश्चित आप एग्जिट हो जाइए, फिर वेट एंड वॉच कीजिए कि ये स्टॉक्स फिर से कभी मोमेंटम दिखाता है, हम फिर से पोजिशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस के साथ बनाएंगे। जैसे जैसे ऊपर स्टॉक चलते जाता है आपको जो स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर ट्रेल करते जाना है। जैसे इपका लैब है उसमें मैंने आज भी स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल किया, क्योंकि हो सकता है फार्मा का जो स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा रैली किया है तो उसमें एक करेक्शन देखने मिले, तो वैसे भी हमें जो नुकसान ना हो इसलिए मैंने आज जो अपना स्टॉप लॉस है इपका लैब में वो 300 पर लगा दिया है, क्योंकि अभी स्टॉक जो 326 रुपीज़ है, अगर उसमें भी गिरावट आती है तो हम 300 के प्राइस पर एग्जिट हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक है, निर्णय लेने में उनको डिसीजन लेने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।